तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं बड़ा हेल्दी और क्विक सा बनाने की, तो चलिए आज बहुत ही इजी सा पोहा बना लेते हैं। तो एक कटोरी मैंने लिया है पोहा, जिसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, एक कटोरी है, ये फॉर्चून का पोहा है। तो ये देखिए, इसको कर लेंगे टैप के नीचे ही वॉश, और थोड़ी देर इसको बस इस तरह से, जितनी देर हम प्रेपरेशन पे लगा रहे हैं ना, उतनी देर बस इसको पड़ा रहने देंगे। पोहा ना आज तक का बड़ा हेल्दी और बड़ा इजी ऑप्शन रहा है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बड़े हैं, तो फटाफट से आप बना के इसको खा के नाश्ता करके जॉब पे जा सकते हैं। तो ये देखिए, डाल लिया है हमने ऑयल थोड़ा सा, और डाली मस्टर्ड सीड्स, यानी के राई डाल दी है थोड़ी सी मैंने। बड़ा ही सिंपल सा और क्विक सा वे बताऊंगी पोहा बनाने का। और इसमें डाले मैंने कड़ी पत्ता। जब ये सब कुछ तिड़कने लग जाए, तो ये देखिए हरी मिर्ची खूब सारी डालिए अगर आपको पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। थोड़ा सा बस इसको करेंगे सौते, और डाल लेंगे हमने, आप देखिए इसमें कोई भी वेजेस का ऑप्शन होता है, आप पीनट्स भी डाल सकते हैं, आप मटर भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है एक बारीक कटा हुआ प्याज, आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, बट ये सिर्फ मैं बना रही हूँ प्याज डाल के। आप कोई सी भी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, बहुत यमी बनता है। हेल्दी चीज़ है तो उसमें और हेल्दी ऑप्शंस आप ऐड करते रह सकते हैं, बहुत फिलिंग होता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो बिल्कुल आपको ये बनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हल्दी डाली है, नमक डाला है, ये मैं आधा आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1/4 टेबल स्पून। तो अच्छे से हिला दीजिए इसको, जब ये भुन जाए तो बस पोहा डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना, देखिए पोहा हो गया स्मूथ हमारा, पानी रुकना नहीं चाहिए, छलनी में डाल के रखना है वॉश करने के बाद। तो ये देखिए कितना अच्छा सा है, अगर बहुत ड्राई लग रहा है तो पानी का छींटा भी दे सकते हो। इसमें निचोड़ा मैंने नींबू, ये बिल्कुल स्पाइसी और खट्टा खट्टा पसंद है मुझे, बनाने में भी और खाने में भी। आप चाहें तो एक चुटकी इसमें जो मीठा है यानी चीनी है पिसी हुई, वो भी डाल सकते हैं पसंद है तो, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सिंपल सी दिखने वाली बट बड़ी हेल्दी और बहुत फिलिंग वाली रेसिपी। ये देखिए मैंने डाल दी, थोड़ी सी शुगर डाल ली है मैंने, डाल ली है ताकि थोड़ा सा नमक है जो और खट्टा है, सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी लगी है अच्छी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।